बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, जैसा आप सभी देख रहे हैं 9:30 बजे से जिनवानी चैनल के माध्यम से यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक है, लाडू चढ़ाया जाएगा। आप देख रहे हैं कि आपके लिए कितने कितने सुंदर सुंदर लड्डू हमने यहाँ पर बनाए हैं। भगवान महावीर की ऐसी प्रतिमा जिसे आप अगर एक बार देख लेंगे, जिसके दर्शन कर लेंगे, तो आपके सारे पाप सारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसी स्फुटिक मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। मेरा आप सभी से निवेदन है, बंधुओं कोई भी ऐसा परिवार नहीं रहना चाहिए जो यहाँ पर लाडू ना चढ़ाए। मेरा सभी से निवेदन है कि आप अपना नाम आज से कल सुबह 9:30 बजे तक 8800202068 या 9312607071 या 9311198985 पर अवश्य लिखवा कर इस पुण्य को अपने हाथों से ना जाने दें। बंधुओं ये सब हमने इसलिए किया है कि इस लॉकडाउन में शायद आप पावापुरी नहीं जा सकते हैं, हमने यहीं भव्य पावापुरी 30x30 की पावापुरी बनाई है, झरने लगाए हैं, भगवान महावीर को विराजमान किया है। और आप घर पर बैठे हुए भी अगर लड्डू नहीं चढ़ा सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि मात्र 1100 2100 5100 11000 रुपये आप दे सकते हैं तो ज़रूर दे करके लड्डू चढ़वाएं, नहीं दे सकते हैं तो भी अपना नाम हमें ज़रूर लिखवाएं, पैसे का कोई मैटर नहीं है। परंतु मैं चाहता हूं कि कम से कम 1008 परिवार यहां पर लाडू में हिस्सा लेवे और इस सुंदर दृश्य को आप घर बैठे कल जिनवानी चैनल के माध्यम से सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक देखेंगे। इतनी सुंदर पूजा बबीता झांझरी जी द्वारा और मंत्र दीपक शास्त्री जी द्वारा यहाँ पर बोले जाएंगे। कोई भी परिवार ऐसा नहीं रहे जो लाडू ना चढ़ाए। मेरा समस्त शक्ति नगर, रूपनगर, घंटाघर, जैन कॉलोनी व कमला नगर जितने भी परिवार है, भैया ईगो मत रखना। जो भगवान के सामने ईगो रखता है वह बंदा कहीं का भी नहीं रहता है। मेरा सभी से निवेदन है कि आप सभी परिवार यहां पर आकर के पूरे दिन यहां पर लड्डू चढ़ा सकते हैं। सुबह मुहूर्त पे हम पहला लड्डू चढ़ा देंगे, उसके बाद में आप पूरे दिन आकर कभी भी लाडू यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं सभी से मेरा निवेदन है कि लाडू अवश्य चढ़ाएं। भगवान महावीर स्वामी आज जिन्होंने जैन धर्म को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया और आज जैन धर्म का नाम सभी धर्मों में सर्वोपरि माना जाता है, माननीय हमारे राष्ट्रपति जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, सभी भगवान महावीर के दिए हुए रास्ते पर अगर चलते तो शायद ये कोरोना भी नहीं होता। अगर भगवान महावीर के बताए हुए रास्ते पर हमारे चलते तो शायद इस देश में ये महामारी नहीं आती। मेरा आप सभी से निवेदन है कि कल लाडू चढ़ा करके अवश्य धर्म लाभ लें। जय जिनेन्द्र। मैं पवन जैन गोदा, संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ जिनेन्द्र, बंधुओं ये सब मेहनत है हमारे उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की, जिनकी बदौलत ये उड़ता हुआ मंदिर यहाँ पर आया है। और आप यहाँ पर लाडू नहीं चढ़ाएंगे तो कैसा लगेगा। मेरा सभी से निवेदन है कि हमने बराबर वाली करीब 500 गज जगह और ली है, क्योंकि 700 गज में भगवान पार्श्वनाथ कहते हैं कि मुझे जगह कम पड़ रही है, इसलिए हमने 500 गज और ली है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि मात्र 1 गज राशि की राशि 1,00,000 रुपया है। आप 1,00,000 रुपया दे करके 1 गज राशि अपने परिवार की तरफ से अवश्य लिखवाएं। आपका नाम भी यहाँ पर शिलापट पर लिखा जाएगा, आपका नाम पूरी ज़िंदगी भर लिखा जाएगा। आपके बच्चे देखेंगे कि हमारा नाम भी इस मंदिर के जीर्णोद्वार में, इस मंदिर के निर्माण में बना लगा हुआ है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, आप 1,00,000 नहीं दे सकते हैं तो 51,000 रुपये दे करके भूमि सारथी में अपना नाम अवश्य लिखाएं। जय जिनेन्द्र। जय बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। जय बोलो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। टीम काम 9 करोड़ मुनियों की जय।